इस वीडियो में हम रोटेट एरे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में आपको एरे को राइट रोटेट करना है। कितने स्टेप से राइट रोटेट करना है? के स्टेप्स। जो भी आपको के दिया जाएगा उतने स्टेप से आपको एरे को राइट रोटेट करना है। हम दोनों टाइप की रोटेशन देखेंगे, राइट रोटेशन भी लेफ्ट रोटेशन भी। प्रॉब्लम में हमें राइट रोटेशन के टाइम्स कहा गया है। अगर इसकी जगह हमसे लेफ्ट रोटेशन के टाइम्स पूछा जाता तो भी हम उसको कैसे कर सकते थे, ये दोनों पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट रोटेट बाई के का क्या मतलब होता है कि आपके राइट मोस्ट के एलिमेंट्स, जैसे अगर आपको के टू दिया हो तो आपके राइट मोस्ट के एलिमेंट्स आपके एरे से पहले आ जाए। आपका एरे क्या था? 1, 2, 3, 4, 5। राइट मोस्ट टू एलिमेंट्स 4 और 5 आपके एरे में स्टार्टिंग में आ जाए, फिर उसके बाद आपके एरे के बचे हुए एलिमेंट्स 1, 2, 3 ऐसे आए। तो जो भी के वैल्यू दी हो आपके राइट मोस्ट के एलिमेंट्स उठ के एरे से पहले आ जाए, इसको हम कहते हैं रोटेट राइट बाई के स्टेप्स। अगर हम के की वैल्यू को 1 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? रोटेट राइट बाई 1। तो जैसे अगर हमारा ये गिवन एरे 1, 2, 3, 4, 5, तो इससे क्या होगा? 5 आपका उठ के पहले इधर आ जाएगा। अगर हम इसको रोटेट बाई 1 करें तो क्या होगा? 5 उठ के यहाँ पर आ जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4। नाउ अगर हम इस एरे को राइट रोटेट बाई 1 करें तो क्या होगा? अब 4 उठ के 5 से पहले आ जाएगा। मेरा एरे क्या था? 5, 1, 2, 3, 4। इसको मुझे राइट रोटेट बाई 1 करना है तो क्या होगा? 4, 5, 1, 2, 3। अगेन अब मैं इस एरे को रोटेट राइट बाई 1 करूँ तो क्या होगा? मेरा 3, 4, 5, 1, 2 ऐसे हो जाएगा। 3 उठ के इस एरे के पहले आ जाएगा। फिर इसको अगर मैं 1 से रोटेट करूँ तो क्या होगा? 2 उठ के मेरा इसके पहले आ जाएगा, 2, 3, 4, 5, 1। फिर अगर मैं इसको एक और बार राइट रोटेट करूँ 1 से तो क्या होगा? ये 1 उठ के मेरा यहाँ पर आ जाएगा। मेरा एरे क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, जो कि मेरा ओरिजिनल एरे था। मैंने यहाँ पर एक रोटेट किया, यहाँ पर एक और रोटेट किया, यहाँ पर एक और रोटेट किया, यहाँ पर एक और रोटेट किया, फिर यहाँ पर वापस एक और रोटेट किया। तो मेरा जितने एरे का साइज़ हो अगर मैं उतने टाइम्स रोटेट कर दूँ, जैसे मैं अगर इसको 5 टाइम्स रोटेट कर दूँ तो मेरा सेम एरे वापस आ जाता है। और अगर मैं फिर इसको एक और बार रोटेट करूँ यानी कि 6 टाइम रोटेट करूँ तो मेरा 1, 7 टाइम में ये 2, ये वाला एरे इस तरह से रिपीट होगा। यानी कि मेरा एन स्टेप्स के बाद पैटर्न रिपीट होना शुरू होगा। क्या रिपीट होगा? एन के बाद ये, फिर n+1 पे ये, n+2 पे ये, n+3 पे ये, n+4 पे ये, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे k1 से राइट रोटेट करने को कहे, चाहे k6 से राइट रोटेट करने को कहे, चाहे k11 से राइट रोटेट करने को कहे, मेरा सेम ही रिजल्ट आएगा। सिमिलरली k मुझे 2 से रोटेट करने को कहे या फिर k मुझे 7 से रोटेट करने को कहे, मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें गिवन k है हम उसको n से मोड दे सकते हैं। जैसे 7 mod 5 हमारा क्या आएगा? 2। 12 mod 5 हमारा क्या आएगा? 2। सिमिलरली 6 mod 5 हमारा क्या आएगा? 1। 11 mod 5 हमारा क्या आएगा? 1। तो हमें 1 दिया हो, 6 दिया हो या 11 दिया हो, हमारा रिजल्ट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रोटेशन पैटर्न n स्टेप्स के बाद रिपीट होता है। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करें, जो भी हमें के जितने स्टेप से रोटेट करने को कहा जाए हम उसका मोड एरे साइज़ ले लें, जो भी हमारा एरे का साइज़ है, उसके बाद तो हमारा पैटर्न रिपीट ही होगा। सेकंड, हमें अगर इस गिवन एरे को 2 टाइम्स रोटेट करना हो तो हमारा क्या होगा? ये 2 एलिमेंट उठ के मेरे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, राइट। फिर मेरा बचा हुआ है 1, 2, 3 ही आएगा। तो इन स्टेप से मुझे एक तो क्या दिख रहा है कि अगर मैं गिवन एरे को के टाइम्स 1, 1 रोटेट कर दूँ, मैंने 1 टाइम रोटेट किया, फिर 1 टाइम रोटेट किया, 1+1, 2, तो मेरा रिजल्ट क्या आया? 2 टाइम्स रोटेशन का जो रिजल्ट आता है। तो अगर मैं एक सिंपल लूप लगाकर अपने एरे को 1 बाय 1 रोटेट करता जाऊँ तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा? सेम, जो भी मुझे के स्टेप से रोटेट करना हो वो रिजल्ट आएगा। हमें गिवन एरे ये था 1, 2, 3, 4, 5, हमने इसको 1 से रोटेट किया तो हमारा 5 पहले आ गया, फिर इस एरे को 1 से रोटेट किया तो हमारा क्या हुआ? 4 पहले आ गया। तो इस तरह से हम सिंपल एक के साइज का लूप लगाकर उस लूप के अंदर क्या कर दें, रोटेट बाय 1, जो भी हमारा गिवन एरे उसको 1 से रोटेट कर दें। नाउ हम इस एरे को 1 से रोटेट कैसे कर सकते हैं? आप ऑब्जर्व करो 1 से रोटेशन में क्या हो रहा है, ये वाला एलिमेंट उठ के यहाँ पर आ जा रहा है, बाकी मेरे सारे एलिमेंट्स 1-1 राइट शिफ्ट हो जा रहे हैं। 4 मेरा इस इंडेक्स पर आ जा रहा है, 3 मेरा यहाँ पर आ जा रहा है, 2 मेरा यहाँ पर आ जा रहा है, 1 मेरा यहाँ पर आ जा रहा है। फिर जो ये स्पेस बच रहा है इसमें मैं ये 5 जो मेरा लास्ट एलिमेंट था ये डाल दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा एलिमेंट है इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ। फिर मैं क्या करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लूप लगाऊँ, मैं इनको एक एक राइट शिफ्ट करता जाऊँ, 4 को यहाँ पर डाल दूँ, 3 को यहाँ डाल दूँ, 2 को यहाँ डाल दूँ, 1 को यहाँ डाल दूँ। फिर मेरा क्या होगा, ये स्पेस एम्प्टी बचेगा, इसमें मैं जो मैंने टेम्प में वैल्यू स्टोर की थी
वो डाल दूँ, तो इस तरह से मेरा एरे रोटेट बाय वन हो जाएगा। हमारा सिंगल रोटेशन का कोड कैसे दिखेगा, हम लास्ट वैल्यू को एक टेम्परेरियल में स्टोर कर लेंगे, फिर हम एन माइनस वन से लूप चलाएंगे और उसमें क्या करेंगे, हमारे नम्स ऑफ आई आईथ पोजिशन पर क्या डाल देंगे, उससे पिछले वाली वैल्यू नम्स ऑफ आई माइनस वन, और लास्ट में जो हमारा जीरो बचेगा नम्स ऑफ जीरो में हम क्या डाल देंगे, टेम्प जो हमने वैल्यू स्टोर की थी। ये तो हमारा कोड हो गया एक सिंगल रोटेशन का, हमें कितनी करनी थी, के रोटेशन करनी थी। तो ये वाला कोड अगर हम एक लूप के अंदर डाल दें, जीरो से लेकर के तक, के साइज़ का एक लूप लगा दें और इसके अंदर ये वाला कोड डाल दें, तो हमारा एरे के से रोटेट हो जाएगा। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, इसमें देखो हम एक एन साइज़ का लूप लगा रहे हैं, जो हमारे एरे का साइज़ है उसका लूप लगा रहे हैं, यहाँ पर हम के जो हमें स्टेप दिया था उसका लूप लगा रहे हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, एन इंटू के, और हमारे ये दोनों 10^5 इसमें हो सकते हैं, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसमें चली जाएगी, 10^10, जो कि टाइम आउट में आ जाएगा। तो हमें कुछ बेटर करना पड़ेगा, बेटर हम कैसे कर सकते हैं, बेटर करने के लिए आप ऑब्जर्व करो, मेरा गिवन एरे ये था, मुझे आउटपुट ये चाहिए था, 4, 5, 1, 2, 3 ये चाहिए था। अगर मैं अपने गिवन एरे को रिवर्स कर दूँ तो मेरा एरे ऐसा आएगा 5, 4, 3, 2, 1, ये पूरा का पूरा एरे रिवर्स कर दूँ तो मेरा एरे बन जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। नाउ अगर मैं इसको और अपने आउटपुट एरे इसको कंपेयर करूँ तो मैं क्या देखूँगा, यहाँ पर मेरा 4, 5 है, यहाँ पर मेरा 5, 4 है, यहाँ पर मेरा 1, 2, 3 है, यहाँ पर मेरा 3, 2, 1 है। बेसिकली ये पोर्शन और ये बचा हुआ पोर्शन, ये दोनों मेरे रिवर्स ऑर्डर में है, तो मैं इस पोर्शन को रिवर्स कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 और 5, और 3, 2, 1 इस बचे हुए पोर्शन को रिवर्स कर दूँ तो मुझे 1, 2, 3 ये मेरा एरे मिल जाएगा। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं अपने एरे को रिवर्स कर दूँ और उसके बाद पहले के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूँ और फिर बचे हुए एन माइनस के इन एलिमेंट्स को रिवर्स कर दूँ तो मेरा क्या होगा, मुझे आउटपुट आंसर मिल जाएगा। इसको हम कोड में कैसे कर सकते हैं, हम चाहें तो खुद का रिवर्स फंक्शन लिख सकते हैं या फिर हम STL की रिवर्स API का यूज़ कर सकते हैं। पूरे एरे को रिवर्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नम्स डॉट बिगिन टू नम्स डॉट एंड, हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देना होता है रिवर्स के अंदर, जितने पार्ट को हमें रिवर्स करना हो। तो स्टार्टिंग में पूरे एरे को रिवर्स करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, नम्स डॉट बिगिन टू नम्स डॉट एंड, पूरे के पूरे एरे को रिवर्स कर दो। उसके बाद अगर हमें पार्ट्स में रिवर्स करना है तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या देना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, और सेकेंड पार्ट में एंडिंग पॉइंट। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, नम्स डॉट बिगिन, और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा, नम्स डॉट बिगिन प्लस के, हमें कितने एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, के एलिमेंट्स को, तो नम्स डॉट बिगिन प्लस के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इतने पोर्शन को रिवर्स कर दो। उसके बाद हमें बचे हुए पार्ट को रिवर्स करना है, बचा हुआ पार्ट हमारा कहाँ से शुरू होगा, नम्स डॉट बिगिन प्लस के यहाँ से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट एंड यहाँ तक जाएगा, तो हम रिवर्स के अंदर यही पास करेंगे, नम्स डॉट बिगिन यहाँ से लेकर नम्स डॉट बिगिन प्लस के हमारे के एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो, फिर नम्स डॉट बिगिन प्लस के यहाँ से शुरू करो और नम्स डॉट एंड लास्ट तक रिवर्स कर दो। हमारा 5, 4 रिवर्स हो गया, 4, 5 हो गया, 3, 2, 1 रिवर्स हो गया, 1, 2, 3 हो गया। तो इस तरह से हम राइट रोटेट बाय के एफिशिएंटली कर सकते हैं। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमारे एक रिवर्स ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है जितने एलिमेंट्स को वो रिवर्स कर रहा है। तो इसमें ये कितने एलिमेंट्स को रिवर्स कर रहा है, हमारे एरे के साइज, जितना एरे का साइज है उसको रिवर्स करना है, और इन दोनों को मिलाकर के प्लस एन माइनस के यानी कि एन एलिमेंट्स को फिर से रिवर्स कर रहा है, तो हमारी 2n यानी कि ओ ऑफ एन हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमें राइट की बजाय लेफ्ट रोटेट करना होता तो हम कैसे कर सकते थे, एक तरीका तो क्या है कि हम 1 बाय 1 एरे को लेफ्ट रोटेट करते जाएँ और के साइज़ का लूप लगा दें, बट इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी, एन इंटू के, जो कि टाइम आउट मार जाएगी। तो हम जैसे राइट रोटेशन एफिशिएंटली कर रहे हैं वैसे ही लेफ्ट रोटेशन एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। लेफ्ट रोटेशन में हमारा क्या होता है, हमें जितने से लेफ्ट रोटेट करना उतने हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स लास्ट में चले जाते हैं। हमारा एरे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1, 2 उठ के हमारे एरे के एंड में यहाँ पर लास्ट में चले जाएंगे। हमारा एरे क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 1, 2, हमारे स्टार्टिंग के एलिमेंट्स उठ के लास्ट में चले गए। अगेन हमें इसको एफिशिएंटली करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे एरे को रिवर्स कर दो और उसके बाद जो हमारा रिवर्स एरे है उसको हमारे आउटपुट से कंपेयर करो। हमारा रिवर्स एरे क्या है, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें अब ऑब्जर्व करो, 5, 4, 3 इसका रिवर्स मेरे यहाँ पर है, 3, 4, 5, 2, 1 इसका रिवर्स मेरे यहाँ पर है। तो यानी कि
मुझे लास्ट के एलिमेंट्स, राइट रोटेशन में क्या करना था, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स, लेफ्ट रोटेशन में क्या करना है, लास्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है और स्टार्टिंग के एन माइनस के इतने एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। तो सेम चीज़ हम इसमें क्या पास कर सकते हैं, नम्स डॉट बिगिन से लेकर नम्स डॉट बिगिन प्लस एन माइनस के इतने एलिमेंट्स को रोटेट कर दो, और फिर नम्स डॉट बिगिन प्लस एन माइनस के से लेकर नम्स डॉट एंड इस पार्ट को रिवर्स कर दो, नम्स डॉट बिगिन टू नम्स डॉट बिगिन प्लस एन माइनस के, हमारा फर्स्ट पार्ट एन माइनस के एलिमेंट्स इनको रिवर्स करो। फिर लास्ट के जो के एलिमेंट्स हैं वो कैसे आएंगे, नम्स डॉट बिगिन प्लस एन माइनस के, यानी कि यहाँ से शुरू करो और नम्स डॉट एंड यहाँ तक रिवर्स करो। बेसिकली हम वही कर रहे हैं, पहले एन माइनस के और लास्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स कर रहे हैं। तो इसकी भी हमारी ट्रायंगुलरिटी क्या आएगी, ओ ऑफ एन। एक बार जो हमें प्रॉब्लम दी थी राइट रोटेशन बाई के, उसका लीड कोड पर कोड देख लेते हैं। हमें एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स दिया था और के वैल्यू दी थी, हमें इस नम्स एरे को के टाइम्स रोटेट करना था, राइट रोटेट करना था। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था कि हमें जो भी गिवन के हो उसका मोड एन, एन क्या है आपका एरे का साइज, उससे मोड ले लो क्योंकि आपका इफेक्ट सेम ही आएगा। उसके बाद आपको क्या करना था, पूरे एरे को रिवर्स करो, अपने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को रिवर्स करो और फिर के एलिमेंट्स के बाद बचे हुए एन माइनस के उतने एलिमेंट्स को रिवर्स करो, आपका इफेक्टिव रिजल्ट आ जाएगा, आपका एरे राइट रोटेट बाई के हो जाएगा। तो हमारा कोड इतना सा रहेगा और हमारी ट्रायंगुलरिटी क्या आएगी, ओ ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ वन। आपको रिवर्स करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना होता। थैंक यू गाइस।